वो टूटने नहीं देगा सबर का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मौजज़ा हो जाएगा। सूरतें कितनी भी हसीन हों, सीरतों की मोहताज होती हैं। गुना में लज्जत ज़रूर है मगर सकून नहीं, गुना का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। बाज़ औकात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। चेहरे के साथ दिल को भी साफ रखा कीजिए, क्योंकि अल्लाह की नज़र चेहरे पे नहीं दिल पे होती है। हमेशा अल्लाह के शुक्र गुजार रहो, अगर एक निगाह तुम्हें हिकारत से देखे तो मत भूलो कि 100 निगाहें तुम पर रश करती हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। इल्म अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब तो रिस्क कमाने के फन है। जिस जगह खुदा चाहे अकल बादल की तरह बरसती है और जहां उसका गुस्सा पाती है भाग जाती है। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की एक निशानी ये भी है कि वो अल्लाह की रज़ा में हमेशा खुश रहते हैं। अकेले हो अल्लाह को याद करो, परेशान हो दुरूद शरीफ पढ़ो, उदास हो या हय्यू या कय्यूम पढ़ो, खुश हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। जिस किताब की शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो उस पर ईमान लाने वाला ना शुक्रा कैसे हो सकता है। गैरों से मांगा तो जिल्लत मिली, अल्लाह ताला से मांगा तो इज्जत मिली। दिल छोटा ना करो, एक दिन वो रब तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। कभी कभी लगता है कि कोई नहीं मेरा, फिर याद आता है कि अरे नहीं, अल्लाह है ना। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। तकलीफ में सजदा करना और फिर तकलीफ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत है। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो।